कभी कभी मम्मी मतलब बचपन में इतना स्ट्रगल करती थी हमारे लिए, मतलब फूल लेने के लिए मम्मी पकड़ी। दोस्तों आपको तो पता ही होगा रील में बस थोड़ा थोड़ा लगा मुझे खुद को देख के बार बार हंसी आती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सारे लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नई ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारे और खूबसूरत से दिन की शुरुआत। तो सुबह की बजी अभी 9:30 और घर का सारा काम करके यहाँ पे आया है मुझसे मिलने अंशु। कैसे हो अंशु आप? हेलो दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज है होली का दिन जिसका हम करते हैं पूरे एक साल से इंतज़ार। मतलब ये दिन भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बस रंग क्या बोलते हैं अंशु, रंग बिखेरो। तो अंशु तो मुझे मिला नहीं परसों से, तो अभी आया है। हमने सोचा होली हम साथ में ही खेलेंगे। वैसे हमारे गांव वाले ना हित में जाते हैं पहले, लेकिन इस बार गांव में मतलब 2-3 फैमिलियों को नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई थी। तो इस वजह से गांव में उतनी होली नहीं खेली जा रही, बस छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे, है ना अंशु? तो छोटे छोटे बच्चे, मैंने सोचा मैं घर आई हूँ तो क्यों ना ही होली खेलूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करती है अपने घर से रंग लगाने की। दोस्तों सबसे पहले अपनी फैमिली से स्टार्ट करते हैं। हमने अपने घर से स्टार्ट कर दिया है। हैप्पी होली मम्मी, अंशु हैप्पी होली, होली रोहन की हैप्पी होली। जब घर आए तो क्यों ना। दोस्तों होली में ना पानी ना गिराए तो मजा ही कैसा। तो हमने बना लिए यहाँ पे इन गुब्बारों के अंदर पानी भर दिया। ये कितने खूबसूरत लगते हैं ना अंशु, ऐसे में कितने सुंदर लग रहे हैं भाई। हैप्पी दोस्तों। तो अभी मैं और रनकी भी जा रही हैं नीचे गांव में, क्योंकि हमारे मोहल्ले में तो छोटे छोटे बच्चे हैं नहीं, बस रौनक और अंशु हैं। मोहल्ले में ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, तो लोग आज गांव में खेल रहे हैं। वैसे तो होली के दिन लोग हित में जाते थे, बट शायद इस बार वैसी होली नहीं खेली जाएगी, इसलिए हम जा रहे हैं अभी गाँव में। देखते हैं जो भी होगा जैसे भी होगा। मैंने अपने घर से देखा था कि खेल तो रहे थे गाँव में होली। इसमें रखे हैं हमने गुब्बारे, ये थोड़ा सा कलर है। दोस्तों मैंने कहा था गांव में होली खेल रहे हैं, भाई खूब खेल ली तुमने होली। हाँ कैसा लगा रहा था, पक्का रंग लगा दिया ये तो छोड़ने वाला नहीं है इतनी आसानी। हैप्पी होली, हैप्पी होली, मुझे भी लगाने दो भाई। ये लो लगा, रंग ये पकड़ तू। हैप्पी होली, हैप्पी होली नैना। कहाँ जा रही भाई तुम? रंग लेने। अच्छा जाओ जाओ फिर नीचे आना खेलने। हाँ दोस्तों मैंने सोचा था मुझ पे इतना पक्का रंग नहीं लगेगा, हद हो गई। इनने मुझे कैसे गोणी सी जान पड़े ली कसम। अंशु तो पहचानने भी नहीं आ रहा भाई। दोस्तों ये रंग अब 2-3 दिन से पहले उतरने वाला नहीं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा रील में बस थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, मुझे खुद को देख के बार बार हंसी आती। रील में तो ऐसे थोड़ा थोड़ा लगाते, बट रियल ये है दोस्तों, ऐसे होता है फेस। ओह माय गॉड, हद होती है यार। छोटे बच्चों के यार यहाँ पे खुला पानी मिल रहा है, क्योंकि घर में तो आजकल पानी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक ही फायदा है कि वहीं पे पिचकारियों में भरो, वहीं से एक दूसरे के ऊपर डालो डाल डाल। दोस्तों अभी तो होली स्टार्ट ही हुई है, बट इन्होंने मुझे ऐसे रंग दिया ना कसम से। दोस्तों अब देखना मेरी मम्मी का रिएक्शन क्या रहेगा मुझे देख के। भाई भाई साहब मैं तो पहचान में भी नहीं आ रही। आज मैं सुबह सुबह ऐसे कैप्शन डाल रही थी कि रंग ऐसे लगाओ कि 2-4 दिन तक वो खुद को भी ना पहचाने कि ये मैं ही हूँ, और आज मुझे खुद को देख के हो रहा कि ये मैं ही हूँ। ये भगवान, एक तो खुद को देखे मम्मी।
होली दोस्तों अभी गांव में डीजे वीजे लगेगा बट मैंने अपने हिस्से की होली खेल दी, इतना ही काफ़ी है, ये रंग भी उतर जाए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों होली का दिन भी गया ऐसे ही। और हाँ दोस्तों, कभी भी ना होली के दिन ऐसे जानवरों पे रंग ना लगाए, क्योंकि वो अपनी जीभ से उनको चाटने की आदत होती है, तो उसमें केमिकल ये होते हैं, मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो उसमें केमिकल ये होते हैं जब वो चाटते हैं तो फिर उनको बीमारी ये हो जाती है। तो ऐसे ना करिए, ऐसे जानवरों पे रंग ना लगाए, खेलो मगर आपस में ही प्यार से खेलो, ऐसे नहीं कि जो रंग ना उतरे। ओह माय गॉड, मेरा उतरेगा या नहीं वो तो देखते हैं दोस्तों, कैसा रंग लगा दिया इन्होंने मुझ पर, ट्राई करती हूँ धोने की। दोस्तों शाम की बजी अभी 4:30 और इस टाइम मैं आई हूँ अपनी मम्मी के साथ मार्केट की साइड। वैसे मैं पिछले साल आई थी इस साइड, तो यहाँ हमारे खेत हैं, तो आज मैंने सोचा बहुत लंबे टाइम के बाद मैं मम्मी के साथ थोड़ा सा खेत देखने आ गई हूँ। और दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, हाँ हमारे यहाँ होली तो दिन को ही ख़त्म हो गई थी, तो मतलब हमारे यहाँ 1-2 बजे तक होली चलती है, किसी के यहाँ शाम तक चलती है, बट यहाँ तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मेरा फेस साफ कैसे हुआ। तो दोस्तों पता मैंने क्या करा, मिट्टी के तेल में साबुन को इतना घिसा पूरे आधे एक घंटे तक, तब जाकर ये कलर निकला है। और दोस्तों मेरे हाथ पे आपको दिख रहा होगा बुराज का फूल, ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष भी बोलते हैं इसको, तो ये चैत मास में ही होता है। और बाकी आपको ये सुंदर सुंदर फूल दिख रहे होंगे वाइट कलर की, इनको बोलते हैं मोलू के फूल। भाई कभी मम्मी मतलब बचपन में इतना स्ट्रगल करती थी हमारे लिए, मतलब फूल लेने के लिए, मम्मी ये तो पूरा खाया हुआ है, इसका मैं कैसे यूज़ करूँगी। हाँ तो आसानी से। तो हमारे उत्तराखंड में एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जो चैत मास में आता है, फूलदेई का त्यौहार, जिसमें छोटे छोटे बच्चे ना ये बुरांस के फूल और ये मोलू के फूल और एक फूल और होता है फ्योली का, वो भी मैं आपको दिखा दूँ अगर मुझे मिल गया। हाँ दोस्तों तो मुझे यहाँ पे मिला, ये देखो जो ये पीले पीले कलर की है ना, इनको बोलते हैं फ्योली के फूल। तो चैत मास में ये तीन फूल इतने वो होते हैं, मतलब उत्तराखंड में हर जगह ये मौसम ही है जहाँ बुरांस यहाँ भर भर के होते हैं इस वाले मौसम में, चैत के पूरा जंगल है ये ऊपर बुरांस का। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलूँगी और बाकी आप देख लो खेतों के क्या हाल है। खेतों में गेहूँ लोग के यहाँ बड़े बड़े गेहूँ होंगे, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, मम्मी तो नीचे खेत में पहुँच गई, गेहूँ वेहूँ कुछ नहीं है, बस देखने आए हैं हम। ये देख लो दोस्तों कुछ नहीं है, हमारा खेत तो पूरा खाली है, लगे हैं लोग, कुछ नहीं है खेतों में, बस नाम के लिए। दोस्तों तो हो गया पहाड़ों में खेतों का काम शुरू, और खेतों के हाल तो आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, पूरे खेत में ना गेहूं एक जगह पे भी नहीं दिख रहा होगा। और बाकी जो ये खेत में हो रखे हैं ना, ये है मसूर मलका, और इनमें भी बीज नहीं है, बस फूल ही लगे हुए हैं। और मम्मी निकाल रही है घरिया, और घरिया के हाल भी आप देख लो, मम्मी कुछ बोले कि इतनी मेहनत करने के बाद क्या सिला मिला। तो आजकल एक गाना बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, वो गढ़वाली सॉन्ग, मुझे तो बस एक ही लाइन आती है, वो भी अच्छे से नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी वो गाने की। दादू अब की लैनी दिखेंदो डांडूमास, इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता दोस्तों। पहाड़ी नारी, मम्मी क्या लगी है, कितना मेहनत करते हैं ये लोग, सच में दोस्तों कितना मेहनत करते हैं ये लोग। एक हम हैं हमारी जनरेशन के, इनको तो खेती नहीं चाहिए, मतलब चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, बस है दोस्तों हम अपनी मम्मी से क्या सीखते हैं। आजकल की जनरेशन बस यही सीख रही होगी कि मतलब देखो खेतों में कुछ नहीं हो रहा। हमारी जनरेशन के बच्चे तो अपनी मम्मी को ऐसे बोलते हैं, मम्मी खेत मत कर बंजर डाल, है नहीं मम्मी, तेरे बच्चे ने भी कहा होगा कभी, देख लो दोस्तों। लेकिन फिर भी ना सब्र करना इनसे सीखो, कितना धैर्य है भाई, खेतों में कुछ नहीं हो रहा फिर भी लगे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद भी बंजर नहीं छोड़ते ये अपने खेतों को। मम्मी इसके पीछे का रीज़न क्यों, ऐसा क्यों? हम उसे छोड़ ला था। अच्छा छोड़ ला था। दोस्तों आप
आपको समझ तो नहीं आया होगा, मैं बता दूं, मेरी मम्मी ऐसे कह रही है कि मतलब जो ये हमारी दादा दादी मतलब पुरखों की जो जमीन है इसको बंजर नहीं छोड़ना, आज वाले बच्चे मतलब हमारे बच्चे छोड़ दे, मतलब मेरा जो भाई है वो छोड़ देगा चलेगा, बट जो दादा दादी औरों की जमीन है इनको ये बंजर नहीं रखना चाहती। वाह क्या सोच है मम्मी, रोना आ रहा है तुझे खेतों को देख के? हाँ मम्मी बोल रही खेतों को देख के रोना आ रहा है अब। हाँ भाई ये तो होना ही, इतनी मेहनत से हल लगा रहे हैं, बैल भी। मम्मी इस खेत में तो हल भी कहाँ आई थी ना उस टाइम, जिस टाइम हाँ मैं भी थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी उस टाइम। भाई इतनी मतलब मिट्टी इतनी सूखी थी क्योंकि बारिश तो आ नहीं रही है जब बारिश की ज़रूरत है। चलो हमारे खेत में इतना तो हुआ है लेकिन इस नीचे वाले खेत को देखो, एकदम बंजर सा पड़ा। भाई हो क्या गया है यहाँ? तो मम्मी ने जो सरसों निकाली है वो इसके अंदर है, थोड़ा सा ही हुआ है। मम्मी बोल रही किसी को चाहिए, पहले तू ही बना ले मम्मी, जितना तेल होगा तेल लिए। बाकी दोस्तों हम निकले घर की तरफ, अभी मार्केट से लेके आना है हमें बहुत बहुत सारा। तो क्या मम्मी थोड़ा सा शॉपिंग तो कुछ नहीं करेगी, बोल रही थी कि चूड़ियाँ पहननी है तो शायद हम जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म, और मिलती हूँ आपको आने वाले ब्लॉग में। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मैं चली बुरांस की खोज में यहाँ ऊपर ऊपर। दोस्तों तो मैं मार्केट से सामान लाई थी, कुरकुरे और बिस्किट, बाकी उन्होंने मुझे 5 रुपये देने थे और मेरे साथ मोए मोए हो गया कि किसी उन्होंने ना मुझे ये नकली रुपये, मतलब ये नकली है भाई, बस तो रहा बट है नहीं कुछ, ये पैसा है कुछ भाई। मोए मोए हो गया मेरे साथ तो, मोए मोए हो गया यार ये क्या हुआ, सीधे उठा के आ गई, मैंने उस टाइम नहीं देखा, वो तो घर पे मम्मी ने कहा तब मैंने चेक करा। भाई सच में नकली है, देख लो।